नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर आ रही है बिहार के दरभंगा से। दरभंगा में बताया जा रहा है कि साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें गिरफ्तारी हो गई है, अरबों रुपए की ठगी हो गई है। जिसमें बताया जा रहा है कि साइबर थाने में दर्ज कराए गए ठगी के मामले में दरभंगा पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। 2 करोड़ से ज्यादा ठगी का मिला सबूत, 30 से ज्यादा पीड़ित पहुंचे थाना, अरबों की ठगी का आरोप लगाया गया। सिंहवाड़ा निवासी विवेकानंद महाराज की ओर से गत 9 दिसंबर को साइबर थाने में दर्ज कराए गए ठगी के मामले में दरभंगा पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिकी में बेगूसराय जिले के बरौनी थाने के चकिया थाने के पश्चिमी अमरपुर निवासी अजय कुमार राय व मधुबनी जिले के बिस्फी थाने के चौहटा निवासी नीतीश कुमार झा को नामजद किया गया है। इन दोनों पर WFL कंपनी में 7 महीने में पैसा 4 गुना करने का झांसा देकर कई लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। अजय कुमार राय के खाते की जांच करने पर करोड़ों रुपए का लेन देन पाया गया है। जांच में पता चला है कि अजय ने अवैध कंपनी खोलकर क्रिप्टो करेंसी तथा डॉलर के रूप में पैसे जमा कराए। उसने ये पैसे 7 माह में चौगुना हो जाने का झांसा देकर जमा करवाए थे। बाद में कंपनी को बंद कर सारे पैसे का गबन कर लिया। इस मामले में जय कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया है, यह जानकारी यहां पर CTSP शुभम आर ने दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर करोड़ों रुपए के ठगी मामले में बेगूसराय और मधुबनी के ठग गिरफ्तार हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल साइबर थाना पर है, जिस साइबर थाना में लोग दर्जनों केस दर्ज किए हैं, लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कमाल का काम कर दिया है और पुलिसिंग व्यवस्था पर विश्वास दिलाया है। लेकिन ऐसे लोग भी जो दर दर भटक रहे हैं, हम परिय पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे लोगों को न्याय दिलाइए और साइबर थाना को सही से काम करने के लिए बोलिए। जितना पैसा उससे रिकवर न्यायालय करता है वो फिर अपना न्यायालय के आदेश से हम समझ रहे हैं कि काफी लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द जो भी अच्छी कार्रवाई हम कर सकते हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ, घर में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट लदनिया प्रखंड है। हम लोग के यहाँ नीतीश झा प्लान करने के लिए इस कंपनी विफाल कंपनी और इसका कंट्री हेड बता के कि अजय कुमार राय बताया गया और हम लोग का ऐसा झांसा दे के ये लोग बताया कि हम लोग हैं, आओ तुम लोग इन्वेस्ट करो। पहले थोड़ा पैसा से इन्वेस्ट करवाया 50,000 से और बोला कि इसको हम लोग 2-3 महीने के बाद दुगुना हो जाएगा। इसके बाद फिर बोला कि डॉलर के रूप में हम लोग को दे रहा था और डॉलर जो हम लोग लिए तो बोला कि इसको भजेगा, ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद बोला कि आप दूसरा ID निकालिए, तो परिवार के नाम से बच्चे के नाम से निकाले। उस क्रम में हम लोग 5 से 7 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट कर दिए। बोला कि आपको फिर डॉलर के बदला क्वीन लेना पड़ेगा, इसके बाद जाके आपका पैसा इन्वेस्ट आ रिटर्न होगा, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग इस पर डिटो किए तो बोला कि ठीक है, हम आप लोग से बाद में बात करेंगे, मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डॉलर के फेक डॉलर के नाम पर हम लोग बाद में हम लोग को जानकारी मिली, हम लोग सर्च किए तो ये फेक डॉलर था, कहीं कुछ नहीं मिला और ये पैसा लेके घर बैठ गया। जब हम लोग मिलने के लिए इससे गए तो घर पर कभी भी ये आदमी आ जा रहा है नहीं मिला, नीतीश झा भी नहीं मिला। इसके बाद घर पर गए एक बार तो नहीं मिला, दूसरे बार गए तो ये अजय राय हम लोग के यहाँ मार करने के लिए उसके घर में इतना बड़ा तलवार रखा हुआ है, उस तलवार से मारने के लिए, और बोला कि मार के इसी गंगा के, उसके घर के निकट में गंगा का है, उस नदी में हम तुमको प्रवाह कर देंगे, नहीं तुम लोग यहाँ से भागो। तो मेरा 5 लाख रुपया फंसा हुआ है। जी जी जी, इसी तरह से सभी का 5 लाख 10 लाख का रुपया फंसा हुआ है, इससे कम किसी का नहीं। मेरे टीम का, मेरे पीछे है 2 लेडीज है, उसका 1 लाख रुपया फंसा हुआ है। जी, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इसका आदमी सेटअप है, हर जगह चलाता था। जैसे गोवा टूर का लोग को एक दिखावा दिया कि तुम लोग इसमें इतना का डॉलर खरीदोगे तो गोवा टूर कराएंगे, उसमें सबको 85-85 हज़ार रुपया लिया गया था और उसमें इनको इन्वेस्ट आया था 10 से 15 हज़ार रुपया, उसमें भी कमाया हुआ था और तुमको ये रिटर्न हो जाएगा बाद में, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये पैसा लेके पूरा ठग के बैठ गए। हम लोग प्रशासन से, SP साहब और DSP साहब से और पूरे प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि हम लोग जितने भी आदमी इसमें इन्वेस्ट किए हैं, हम लोग का पैसा किसी भी तरह से रिकवरी करा दे, नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने पर आतुल हो जाएंगे। और इसमें 2 आदमी आत्महत्या भी कर चुके हैं, हम लोग भी ऐसा स्थिति आ गया कि हम लोग कर्ज पर पैसा परसेंटेज पर लिए हैं, वो लोग 4% पर कहीं से उठा के दिए हैं, वो लोग चढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग आत्महत्या करके मर जाएंगे। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। दरभंगा साइबर थाना में अक्टूबर में एक केस दर्ज हुआ था, जो किसका केस संख्या है 1924।
इस केस में इसी का उल्लेख किया गया था कि जो वादी है विवेकानंद महाराज, इन्होंने लगभग 1,00,000 से ऊपर पैसा जो है वो एक जो अभी नामित जो अभियुक्त थे अजय कुमार राय और उसके ही साथी रितेश कुमार राय को दिए थे। ये जो पैसा दिया गया था इस प्रलोभन के साथ दिया गया था कि 7 महीने में ये पैसा 4 गुना हो जाएगा। ऐसा ही जब हमने इसमें और तहकीकात की तो ये सामने आया है कि इस तरीके का फ्रॉड इन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ किया था। दरभंगा में लगभग इन्होंने 2 करोड़ का कलेक्शन जो था इसी माध्यम से किया था। ये कई तरीके से ही सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते थे, होटल में सेमिनार ऑर्गेनाइज कराते थे और वहाँ पे अपने एजेंट को बुलाते थे, उन सबसे पब्लिक को कन्विंस करने के लिए उनसे एक ही चीज़ बोलते थे कि हम इतने इतने महीनों में आपका पैसा डबल कर देंगे, पैसा डबल होने के बाद में वो आपके खातों में आ जाएगा और अगर आप कुछ और लोगों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे तो उसका भी कमीशन आप लोगों को मिलेगा। ये सभी एक जो षड्यंत्र के तहत किया गया था। इन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए वी सेल्फ नामक एक टोकन कॉइन जो थी वो उसे URL के माध्यम से एक साइट पर बनाया था, जो vfelt.cash नामक जो इन्होंने वेबसाइट को क्रिएट किया। इसमें इन्होंने पब्लिक को बोला कि वो पैसा लगाएं और उनका वो डॉलर के माध्यम से उन्हें दिखाई देगा, उसमें प्रतिदिन उसमें उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो काफ़ी दिन तक पब्लिक ने जो भी पीड़ित लोग हैं उन्होंने उसमें पैसा लगाया, उसकी वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई दी, हर दिन उसमें डॉलर में वृद्धि होती दिखाई दी। एकाएक कुछ दिनों के बाद में उन्होंने बोला कि ये साइट जो है वो बंद होने वाली है और जितना भी इसमें आपका डॉलर जो एकत्रित हुआ है वो आपकी लॉगिन आईडी से ट्रांसफ़र होके नया लॉगिन आईडी नया एक जो डोमेन आईडी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसका बेसिकली जिसका डोमेन एड्रेस था www.vfelt.io, मतलब इन्होंने जो वेबसाइट का जो नाम था वो चेंज कर दिया और वहाँ पे पूरा जितना भी पैसा अभी तक एकत्रित पिछले वाले साइट पे हुआ था वो नई जगह पे ट्रांसफ़र करवा दिया। उसमें भी इन्होंने बोला कि पब्लिक को इसी जितना भी आपका पैसा एकत्रित हुआ है उससे आप टोकन खरीदिए। इन्होंने पब्लिक ने वो टोकन भी खरीदा और कई लोगों ने ये बात बोलने जब चाही कि हमें अपना जितना भी पैसा अब तक एकत्रित हुआ है उसको हमें इनकैश करना है या उसमें पैसा भी हमें भौतिक रूप से अपने हाथ में चाहिए, तो इन्होंने मना कर दिया और दबाव बनाने लगे ये चीज़ों कहते हुए कि अभी एक नई इन्होंने ऐप डाउनलोड इन्हें करना पड़ेगा और उसमें इन्होंने कुछ टोकन खरीदने पड़ेंगे और जितना भी इनका जो अभी तक टोकन एकत्रित हुए हैं वो भी इन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उस ऐप में। अगर वो नहीं करते हैं तो कंपनी की तरफ से ये जो आईडी है उनकी जो वो बंद हो जाएगी। मतलब एक तरह से कहा जाए तो जितना पैसा अब तक कलेक्ट हुआ है जब तक उनका भरा है वो सभी पैसा है वो निरस्त हो जाएगा और वो कोई अभी उसके बाद में नहीं निकाल पाएंगे। इस चीज़ से जो पब्लिक हैं वो इनके बहकावे में आके और पैसा उन्होंने इन्हें दे दिया। कुल लगभग 100 से ज़्यादा संख्या में लोग आ गए, लोगों ने आके हमें ये बताया है कि वो इस स्कीम का पार्ट बन गए हैं और उनको फिर नुकसान हुआ है। 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा इन्होंने अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र के माध्यम से कलेक्ट करवाया था, जिसमें अजय कुमार राय ने खुद के अकाउंट में काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र हुआ था और अन्य जो उसके अकम्पलिस थे साथ में जो भी उनकी जो साथी थे इसमें जो सहकर्मी थे काम करने में उन लोगों के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दिए। इस चीज़ को लेजिटिमेट दिखाने के लिए कई बार इन्होंने सेमिनार भी ऑर्गेनाइज़ कराए, एक बार एक गोवा ट्रिप भी इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराई ताकि पब्लिक को विश्वास हो कि जो पैसा इन लोगों को ये मतलब अभियुक्त लोगों को जो दिया जा रहा है इससे ये और कुछ कमाई भी कर रहे हैं और जो भी गिफ्ट के माध्यम से कुछ एक ये दे रही है। इन्होंने काफ़ी लोगों को कुछ जैसे लोगों को आईफोन भी गिफ्ट करने का इन्होंने प्रलोभन दिया ताकि वो और लोगों को इसमें इस स्कीम में पार्ट बनाओ। तो कुल मिला के देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का और पिरामिड स्कीम का एक तरह से जोड़ कर इन्होंने ये स्कीम का इन्होंने संरचना की, जिससे कि काफ़ी लोग जो हैं जो अभी अभी तक जो स्पष्ट हुआ है लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र से पैसा जा चुका है। इसके अलावा काफ़ी लोगों ने कैश में भी पैसा डायरेक्टली इनको दिया था, जिसका भी हम अभी अनुसंधान जारी है और वो भी खंगाल रहे हैं। अभी आज इसमें जो प्राथमिक अभियुक्त इसमें बनाए गए थे अजय कुमार राय जो इसमें जिन्होंने कंपनी को बनाया था उनको गिरफ्तार किया गया है। आगे इसमें पूछताछ और जारी है और इसमें अभी सभी साक्ष्यों को समन करते हुए इसमें माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराया जाएगा।
कितने लोग थे सर इसमें शामिल, और जो मतलब कितने दिनों से कर रहे थे और कितने लोग शामिल थे? ये स्कीम इन्होंने 2022 में बनवाई थी, मार्च 2022 के आसपास में इन्होंने स्कीम को बनाया था, जिसमें अजय कुमार राय के बयान के आधार पर और भी दो लोग इसमें सम्मिलित थे, जिसका नाम है शमशेर और यस्मिन, जो कोलकाता के रहने वाले। इनकी गिरफ्तारी पहले भी, जैसे अभी अभी तक हमें सामने तथ्यों में सामने आया है, वो पहले भी किसी अन्य केस में, साइबर फ्रॉड के केस में नोएडा पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। उसकी हम अभी और छानबीन कर रहे हैं और नोएडा पुलिस से भी संपर्क स्थापित उस संबंध में किया जा रहा है। अजय कुमार राय सर कहाँ का रहने वाला? ये अजय कुमार राय मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले हैं और बेगूसराय से ही इन्हें आज गिरफ्तार किया गया। ये मुख्य दरभंगा में चला रहे थे कि पूरे बिहार में इनका नेटवर्किंग था? जैसे कि हमने पहले भी बताया, तो इनकी जो कंपनी थी ये इन्होंने वी फैक्ट नाम से बनाई, इसमें इन्होंने इनके अतिरिक्त 10 इन्होंने अन्य कमीशन एजेंट के तौर पर लोगों को रखा, जिनका इन्होंने एरिया बांटा हुआ था। कुछ लोग जो थे वो बिहार से बाहर के राज्यों में भी पैसा कलेक्ट कर रहे थे इसी स्कीम का प्रलोभन देते हुए। कुछ लोग बिहार के अन्य जिलों में कर रहे थे, दरभंगा के एक थे, मधुबनी के एक थे, मुजफ्फरपुर के, भागलपुर के, ऐसे कई लोगों का इन्होंने लोगों को हायर किया हुआ था। उसमें इन लोगों ने भी पैसा कलेक्ट किया आके, और जब भी सेमिनार हुए तो ये लोग भी आके पब्लिक को आश्वस्त करते थे कि इनका जो पैसा है इतना इतने दिन में डबल हो जाएगा और इतना उसमें जल्दी से जल्दी विस्तार होगा। हम लोगों से सर क्या